अरे फोन में अपडेट करने के बाद बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। ओहो, यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ ऑन है, वाईफाई भी ऑन है, इसीलिए शायद लगता है कि ब्लूटूथ और वाईफाई की वजह से ही बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। चलो इसे ऑफ कर दिया, अब लगता है कि बैटरी बैकअप जो है ज़रूर से इंक्रीज होगा। सो गाइज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आपकी बैटरी बैकअप जो है घंटा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी जो है हमारे एंड्रॉयड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अगर आप लोग ब्लूटूथ वाईफाई को ऑफ करेंगे तो इसमें आपका बैटरी बैकअप जो है घंटा बढ़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया टिप्स बताऊंगा, 2018-19 का टिप्स। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने फ़ोन में जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बैटरी बैकअप जो है बढ़ा सकते हैं। और टिप्स के साथ साथ ही मैं आप लोगों को वो सेटिंग्स भी करके दिखाने वाला हूँ, तो इन चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका जो बैटरी बैकअप है वो ज़रूर से बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच, मेरा नाम है देवासी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम लेटेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ। लेटेस्ट टिप्स कहने का मतलब यही है कि 2018-19 में आप लोगों को क्या करना होगा, तभी आपका जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ेगा। अदरवाइज जो पुराना वगैरह है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ब्लूटूथ वाईफाई, इन सभी से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बैटरी बैकअप नहीं बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला टिप है, आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी वाइब्रेशन है उसे आप लोगों को ऑफ़ करना होगा। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि हाँ, हमारे फ़ोन में जो रिंगटोन वगैरह है वो मालूम ही नहीं पड़ता। तो आप तभी अप्लाई कीजिए अगर आप मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ या फिर क्राउडेड इलाका पे हैं, या फिर आप कहीं साउंड्स वगैरह जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तभी आप जो है आपके फ़ोन का जो वाइब्रेशंस वगैरह है उसे आप ऑन रखिए। अदरवाइज आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी वाइब्रेशंस वगैरह है उसे आप ऑफ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो वो आप लोगों को मिलता है ऐप पे, जब भी हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल्स वगैरह आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे आना होगा, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑल्सो वाइब्रेट फॉल कॉल्स, इसे आप लोगों को सबसे पहले ऑफ करना होगा। दूसरा जो वाइब्रेशन है वो है यहाँ पे टच पे। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई भी नया फ़ोन वगैरह लेते हैं तो मैक्सिमम फ़ोन में क्या होता है, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को सर्च वगैरह करते हैं यानी कि टैप करते हैं, किसी भी सेटिंग्स में हो, किसी भी ऐप पे हो, टच करते ही वाइब्रेशन होता है, उसे आप लोगों को ऑफ करना होगा। तो टच ऑन वाइब्रेट, इसे आप लोगों को एकदम से ऑफ कर देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाइब्रेशन की, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे कीपैड पे। अगर आप लोग कीपैड पे कोई भी टाइप वगैरह करते हैं तो टाइप करने पर भी आपके फ़ोन में जो वाइब्रेशन वगैरह है वो ऑन होता है, तो इसे भी आप लोगों को ऑफ करना है। तो ये कहाँ पे होगा, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में, इसके बाद आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज पे जाना होगा, लैंग्वेज एंड इनपुट। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे करंट कीबोर्ड जो भी आपका है उसके नीचे यहाँ पे आपका कीबोर्ड दिखेगा, कीबोर्ड के अंदर सिंपल सा आप लोग को जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस पे टैप करना है, प्रेफरेंस पे टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड यहाँ पे वाइब्रेट ऑन की प्रेस, तो इसे आप लोगों को ऑफ करना है। तो इसे आप लोग ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि ये कोई भी काम का नहीं है। अगर आप लोग टाइप वगैरह करते हैं तो उसमें जो है वाइब्रेट वगैरह होता है तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी जो है ड्रेन होता है। नेक्स्ट टिप है वही, आप लोगों को आपके फ़ोन में क्लॉक पे जाना है, और अगर आप लोग अलार्म क्लॉक वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे भी वाइब्रेट वगैरह होता है, तो इसे भी आप लोगों को ऑफ करना होगा। तो अलार्म क्लॉक ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे टाइम पे क्लिक करना है, टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। इसके बाद आप लोगों को वाइब्रेट हो एंड अलार्म साउंड्स ये ऑन रहेगा, इसे आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑन रहेगा, इसे आप लोगों को ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप कैलेंडर पे भी जाएंगे तो टूल्स फोल्डर के अंदर ही होगा कैलेंडर करके, कैलेंडर को भी आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से इसे टैप करना होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो मार्क किया हुआ है, इसे आप लोगों को जब भी टैप करेंगे ये जो सारा ऑप्शंस वगैरह है इसे आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप करना है, सेटिंग्स पे टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे रिमाइंडर्स पे टैप करना है। रिमाइंडर्स पे जाने के बाद यहाँ पे वाइब्रेट है, यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेवर करके रख चुका हूँ, तो
तो इसे आप लोगों को नेवर कर देना है। और इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी वाइब्रेट वगैरह है उसे आप लोगों को ऑफ़ कर देना है, यानी कि आपके फ़ोन में वाइब्रेट को अलाउ ही नहीं करना है। हाँ, आप तब अलाउ कर सकते हैं जब मान लीजिए आप किसी क्राउडेड एरिया पे हैं, ट्रेन वगैरह पे ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पे आप वाइब्रेट वगैरह ऑन करके रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उस समय कोई कॉल्स वगैरह भी आते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता है, इसीलिए उस टाइम पे ऑन रखिए, अदरवाइज हमेशा आप ऑफ करके ही रखिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप कोई भी मैप्स वगैरह को ओपन करते हैं और अगर आप लोग जीपीएस को ऑफ भी करते हैं तो वो ऑफ नहीं होता है, वो बैटरी सेविंग मोड में चला जाता है लेकिन स्टिल वो ऑफ नहीं होता है, तो इसे भी आप लोग को ऑफ करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो जीपीएस है वो ऑफ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन लिख के सर्च करना है। लोकेशन लिख के सर्च करने के बाद इस तरह से जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकेशन ये फिर भी मेरा एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये जो है अभी बैटरी सेविंग मोड पे आ गया है। और अगर आप लोग अपने फ़ोन को जीपीएस को यहाँ से ऑन करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई एक्यूरेसी पे चला जाएगा। हाँ, लोकेशन आपका ऑन है लेकिन वो यहाँ पे हाई एक्यूरेसी पे यहाँ पे आपका जो है नॉर्मल मोड यानी कि बैटरी सेविंग मोड पे चला जाएगा। तो इसे आप लोगों को पूरी तरह से ऑफ करके रखना है। और अगर आप लोग कोई लोकेशन वाइज अगर आप लोग कोई भी एप्स भी चलाते हैं तो तब भी आपका जो लोकेशन है वो ऑफ होता रहेगा, इसे आप लोगों को मैनुअली जो है बाय डिफॉल्ट ऑफ कर करके ही जाना है। तो इसे भी आप लोगों को सबसे पहले ऑफ करना है। सो गाइस, इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो गूगल लोकेशन हिस्ट्री है इसे भी आप लोगों को ऑफ करना है, क्योंकि आप कहाँ पे हैं अभी, आप किस जगह गए थे, किस जगह पे हैं, वो सारा जो है गूगल मॉनिटर करता है आपकी मेल आईडी से होते हुए। तो इसे भी आप लोगों को ऑफ करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल लोकेशन हिस्ट्री, इसे आप लोगों को टैप करना है और इसे भी आप लोगों को ऑफ करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकेशन शेयरिंग है इसे भी आप लोगों को ऑफ करना है। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थीम को बार बार देखने के बाद कोई थीम डाउनलोड कर लेता है, उसके अलावा कोई जो है मान लीजिए लाइव वॉलपेपर वगैरह लगा लेता है, और कभी कभी थीम में ही लाइव वॉलपेपर वगैरह आ जाता है, जो बड़ा साइज़ का थीम है उसमें भी ज़्यादातर जो है लाइव वॉलपेपर वगैरह रहता है। तो उन थीम्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, आप कोई अच्छा सा थीम लगाइए जो छोटा साइज़ में है, दिखने में भी अच्छा है, उस टाइप का थीम्स आप यूज़ कीजिए। आपका जो बैटरी बैकअप है वो ज़रूर से इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ आप कोई लाइव वॉलपेपर वगैरह बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। लाइव वॉलपेपर सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, अदरवाइज़ उसका जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए आप लाइव वॉलपेपर हाईली कस्टमाइज थीम्स वगैरह आप बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। तो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो यही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाईली कस्टमाइज लॉन्चर्स भी इंस्टॉल करते हैं, बैटरी सेवर ऐप भी इंस्टॉल करते हैं, उसके अलावा एंटीवायरस भी इंस्टॉल करते हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। आप एंटीवायरस, उसके अलावा बैटरी सेवर, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए, इंस्टॉल्ड मत कीजिए। हाईली कस्टमाइज कोई भी आप लॉन्चर भी मत इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि लॉन्चर्स में भी जो है बैटरी लेता है, और जो हाईली कस्टमाइज है वो लॉन्चर में भी बैटरी बहुत ही ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए उन लॉन्चर्स को आप अवॉइड कीजिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है, अगर आप अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन और सिंक वगैरह ऑन रहते हैं, हमेशा ऑन करके रखते हैं, तो इसे आप लोग को ऑफ करना है, क्योंकि मोबाइल डाटा पे बहुत ही ज़्यादा बैटरी लेता है, वाईफाई में नहीं लेता है, ब्लूटूथ में नहीं लेता है, लेकिन मोबाइल डेटा में काफ़ी सारा बैटरी लेता है। अगर आपको मान लीजिए वाईफाई वगैरह सर्फिंग वगैरह करना है या फिर इंटरनेट पे कोई भी काम है, तभी आप जो है मोबाइल डाटा को एनेबल कीजिए। सिंक्रोनाइज़ को भी आप एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेसमैन वगैरह है या फिर अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट मेल वगैरह आते हैं तो फिर तो आप लोगों को सिंक जो है इसे ऑन करके ही रखना है। अदरवाइज़ मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट मेल वगैरह नहीं आता है, कोई भी और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह नहीं है, तो फिर आप इस सिंक को ऑफ करके ही रखिए। हाँ, दिन में जैसे आप लोग मान लीजिए मोबाइल डाटा को ऑन करते हैं उसी टाइम पे 2 से 3 मिनट के लिए आप सिंक को भी ऑन करके रख दीजिए, उसके बाद इसे भी और मोबाइल डाटा इसे भी आप ऑफ करके रखिए। साथ ही साथ एक और सेटिंग्स है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वाईफाई, तो मान लीजिए मेरे घर पे वाईफाई है, अभी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे तो है मोबाइल डाटा को एनेबल करना ही होगा, लेकिन मोबाइल वाईफाई के साथ साथ जो स्कैनिंग वगैरह है जो बैकग्राउंड में चलता है वो भी ऑन होता है, उसे भी आप लोगों को ऑफ़ करना है।
तो उसका सेटिंग्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को वाईफाई के अंदर जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, तो इसे भी आप लोगों को ऑफ करके रखना है। सो गाइज, जो नेक्स्ट टिप है, अगर आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा ऐप्स वगैरह है और जो किसी काम के लिए नहीं है, आपने बहुत दिन पहले यूज़ करते हैं, तो अगर मैं मेरी एग्जांपल करूँ तो मेरे एरिया पे यहाँ पे ओला उबर का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं पहले रखता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जियो का 1.5 GB है, 2 GB भी है, तो इसमें जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तब मैं इंस्टॉल कर लूँगा। हालाँकि इतना ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, साल में 2-3 बार यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मैं हमेशा यानी कि 365 दिन ही उस ऐप को मैं क्यों अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखूँ। तो उन्हीं सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए कोई आपके पास लिमिटेड डेटा वगैरह है तो आप कोई ऐप बैकअप करके, एक सॉफ्टवेयर वगैरह भी आता है प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा, उसे आप लीजिए, अपने ऐप को जो है बैकअप करके कार्ड वगैरह पे कहीं पर भी रख दीजिएगा, उसके बाद आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप उस ऐप को फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप लोगों को प्ले स्टोर में जाने के बाद इंस्टॉल भी करना नहीं पड़ेगा, इसमें आपका थोड़ा बहुत डेटा भी खर्च नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग मान लीजिए ऐप को बैकअप वगैरह रखते हैं और अगर आप लोग क्लीनर यूज़ करते हैं तो ध्यान में रखिएगा क्लीनिंग के टाइम भी वहाँ पे जो है पैकेजेस वगैरह, इससे ये जो पैकेजेस है इसे आप लोगों का जो है बाय डिफ़ॉल्ट मार्क किया हुआ रहेगा, इसे आप लोगों को अनमार्क करना है। अदरवाइज आप देखेंगे कि आपने कोई ऐप का बैकअप वगैरह रखा लेकिन फिर क्लीनिंग करने के बाद आप उस ऐप की जो फाइल है, पीके फाइल है, उसे आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो है क्लीन हो जाता है, तो इसे भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो यही है कि अगर आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह भी है, हाँ कुछ ऐप्स जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है लेकिन वो बहुत ही काम का है, उसका आप अगर रिव्यू वगैरह भी देखेंगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ अगर आप लोग उसके परमिशंस में भी जाएंगे तो भी अच्छा परमिशन है, यानी कि उस ऐप का कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्ले स्टोर पर नहीं है लेकिन वो जो ऐप है वो अच्छा है, तो इसीलिए अगर आप लोग उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं यानी कि उन थर्ड पार्टी ऐप्स को रखते हैं तो आप रखिए, अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा ऐप रखता है जिसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल मैनेजर है, ठीक है, फाइल मैनेजर में क्या चाहिए, सिर्फ फाइल का एक्सेस चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे कि फाइल मैनेजर में आपका कॉन्टैक्ट्स का भी परमिशन ले रहा है, लोकेशन का भी ले रहा है, तो उन ऐप्स को आप फौरन अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, यानी कि थर्ड पार्टी ऐप्स को आप रखिए, एक दो ऐप रखिए जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, अदरवाइज़ बाकी सारा जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह है जो कि प्ले स्टोर से बाहर से अगर आप लोगों ने कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल वगैरह किया है तो उसे आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट टिप है, हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन है जो कि सिक्योरिटी के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, डेटा यूजेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं जिनको हमें डेटा देने की परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग हमारे फ़ोन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंटरनेट जो है चल रहा है लेकिन मैं अभी कोई भी ऐप्स वगैरह ओपन नहीं किया हूँ, तो बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स वगैरह है वो चल रहा है, उसके अलावा कुछ ऐप्स है जो डेटा वगैरह भी लेता है, तो उन सारे ऐप्स को आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप लोग सेटिंग्स ओपन कीजिए, उसके बाद डेटा यूजेस ओपन कीजिए, रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस ओपन कीजिए, और जो कुछ ऐप्स है जिन्हें मान लीजिए आपको यहाँ पे एंड्रॉयड असिस्टेंट वगैरह है तो मैं इसे जो है डेटा वगैरह क्यों दूँ, यानी कि इसका कोई डेटा से काम नहीं है, तो इसे आप सिंपल से इस तरह से अनमार्क करके रख दीजिएगा, मोबाइल डाटा से भी अनमार्क कर दीजिएगा और वाईफाई से भी अनमार्क करके रख दीजिएगा। उसके साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, परमिशंस पे जाना है, ऑटो स्टार्ट पे जाना है, और ऑटो स्टार्ट पे आपका बहुत सारा ऐसा ऐप है, मान लीजिए अगर आपने फ़ोन को स्टार्ट किया तभी से जो है कुछ ऐप्स आपका ऑटो स्टार्ट में चल जाता है, यानी कि वो चलता ही रहता है बैकग्राउंड में, तो उन सारे ऐप्स को आप लोगों को डिसेबल करना है। उसके साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ पे जो है अदर परमिशंस पे जाना है सिर्फ, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्वाइप करके परमिशंस पे आना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो स्टार्ट इन बैकग्राउंड, तो स्टार्ट इन बैकग्राउंड जो भी ऐप्स वगैरह है इसे आप लोगों को अनमार्क करना है, यहाँ पे आप लोगों को डिनाई कर देना है, और अगर आप लोग इन सारी ऐप्स को एक ही साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा, रेस्ट्रिक्ट ऑल कर दीजिएगा, इसके बाद आप बैक करके रख दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स वगैरह है वो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है
और सिर्फ चलता नहीं, बैकग्राउंड में डेटा वगैरह भी लेता है, साथ ही साथ आपका रैम मैनेजमेंट जो है उसे भी कम कर देता है। तो उन सारे ऐप्स को आप डिसेबल करके रख दीजिएगा। सो गाइस, ये था कुछ टिप्स। तो अगर आप लोग इन टिप्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ोन में थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप अच्छा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपने नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ मुझे मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट्स न्यूज़ में वहीं पे शेयर करता हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।